बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है। 3 अप्रैल को शुक्रवार का दिन रहेगा हमारी क्लास का, और नीचे वाले हॉल में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो है हमारी क्लास में आएंगे, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करते हैं, और जो परम पूज्य गुरुदेव की सुपुत्री हैं शैलबाला दीदी, तो जी के सुपुत्र हैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के सुपुत्र हैं और डॉक्टर हैं, और लंदन में उन्होंने चिकित्सा की सेवाएं भी दी है, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे हैं, और अभी WHO में योग के काउंसलर हैं, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो चलता है हरिद्वार में शांति कुंज में उसके प्रो चांसलर हैं, प्रतिकुलपति हैं। तो गायत्री परिवार का काम भी देखते हैं, विश्वविद्यालय का भी देखते हैं, और विश्व में अनेक जगह पर सेवाएं भी देते हैं। तो उनका प्रवास था यहाँ पर 2 दिन का, तो उस बीच हमने उनको निवेदन किया कि शुक्रवार का जो हमारा क्लास का समय है उसमें आप आइए और हमारे बच्चों से भी बात कीजिए। तो बड़े उत्साहित हैं वो भी, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको स्वीकार किया निमंत्रण को, और आप लोगों के बीच में रहेंगे 3 अप्रैल के दिन। तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, और बल्कि अपने साथियों को भी लेकर आना है। दरअसल क्या होता है कि कभी कभी कोई दिन जो है वो बड़ा परिवर्तनकारी दिन बन जाता है। बात हम भी आपसे करते हैं और आप सुनते भी हैं, YouTube पे भी सुनते हैं, YouTube पे सुनने वाले लोग भी इस चीज़ को सुने, उसका प्रसारण तो होगा ही, गायत्री परिवार के उससे भी होगा, हमारे इससे भी होगा, लेकिन एक अद्भुत संयोग होता है जब हम प्रत्यक्ष किसी महापुरुष को सुनते हैं, और ये जो है ये आपके जीवन की घटना है, ये बड़ी यादगार बन जाती है कि एक ऐसा समय था जिसमें हम प्रत्यक्ष गवाह थे, हम खुद थे उसमें, ऐसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा संयोग बनता है। और जीवन में बड़े परिवर्तन ऐसे ही सम्मेलनों से और ऐसे ही सभाओं से आते हैं, तो जीवन बदलता भी है, और महापुरुषों की वाणी जो होती है, और अलग अलग वाणी का अलग अलग प्रभाव होता है, उसके पीछे तप भी होता है, उसके पीछे स्वाध्याय भी होता है, अध्ययन भी होता है, और जो चूंकि वो दिन रात अध्यात्म की बात भी करते हैं, विज्ञान की बात भी करते हैं, और युवाओं की बात भी करते हैं, तो आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें होंगी। और सबसे बड़ी तो समस्या जो है वो जीने की है, लाइफ की, उसके सॉल्यूशन हमको मिलते हैं कहीं। तो जब हम आपको गुरुजी का साहित्य खरीदने के लिए बोलते हैं तो कोई धार्मिक बनाने के लिए नहीं कि आप पंडे बन जाइए या पुजारी बन जाइए या पीला कपड़ा पहन करके साधु बन जाइए, इसलिए बोलते हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन की जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनसे हम लोग कैसे निपटें, आपको उसके समाधान उसमें मिलते हैं। विचार क्रांति, इसलिए नाम दिया था विचार क्रांति, तो विचारों की क्रांति, विचार ही हमको मजबूत बनाते हैं। इतिहास में जितने भी महापुरुषों का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, जिन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा या जिन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में लेखन काम किया, बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर निकाले, क्रांति को गति दी, क्रांतिकारी, सब लोग पढ़ाकू थे, सब लोग विचारों से ओतप्रोत थे, सब लोग विचारवान थे, लेकिन वो केवल विचारों तक नहीं थे बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में उन विचारों को लेके आ जाते थे, इसलिए वो क्रांति कर जाते थे, नहीं तो जेल नहीं जा पाते। अगर केवल किताब पढ़ते रहते, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, या गांधी की बात को पढ़ते रहते, तिलक की बात को पढ़ते, चापेकर बंधु का देखा है ना आपने, उन्होंने गीता रहस्य को पढ़ा नहीं, बल्कि गीता रहस्य को समझ करके प्लेग कमेटी के अध्यक्ष को जाके गोली मार दी थी पुणे में। ऐसे ही कोरोना टाइप हुआ ना, जैसे किम जोंग ने क्या किया नॉर्थ कोरिया में, उसने क्या किया कि कोरोना का मरीज मिला तो गोली मार दी, अगली बार कोई अपने सिम्टम्स बताएगा ही नहीं क्योंकि सिम्टम्स बताए तो
वो गोली मार देगा। तो पूना वाला भी यही कर रहा था, एमएस जो था वो क्या कर रहा था, बाहर ले जा करके पूना के बाहर उसने एक डिटेंशन कैंप जैसा बनाया और उसने कहा कि सोसाइटी से बाहर, परिवार से बाहर, परिवार के लोग उसकी सेवा करना चाहते हैं, और आपने आइसोलेशन में डाल दिया उसको। और आइसोलेशन में उस समय ऐसा थोड़ी कि एम्स में जो है अलग वार्ड बना दिया, या चाइना ने जो अपना एक अलग बना दिया था उस टाइप का कुछ बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया। उसने क्या किया, जंगल में रखना छोड़ दिया, पूना के बाहर, सोसाइटी से बाहर, फैमिली से बाहर। प्लेग हुआ है आपको, कॉन्टेजियस है, संपर्क में आने वाले को होगा, आप जाइए। तो ऐसे जब लेके बाहर जा रहा था तो छापेकर बंधुओं को, उनको गुस्सा आया, उन्होंने जाके उसी को गोली मार दी। बोले ये कोई तरीका हुआ है, मानवता के तरीके से रहो, बीमारी फैली है तो क्या हुआ, क्वारंटीन करना है तो ये कोई तरीका नहीं है क्वारंटीन करने का। तो मैंने इतिहास से आपको वो उदाहरण उठा के दिया, और यही कारण था कि गांधी के जहाज को साउथ अफ्रीका में डरबन में उतरने नहीं दिया जा रहा था जहाज से, क्योंकि क्वारंटीन का झंडा लगा हुआ था। बॉम्बे में फ्लैग फैला हुआ था और वहां से जहाज चला था, तो उस समय तो ऐसी थर्मल स्क्रीनिंग और वो सब नहीं था। तो आपको जहाज के ऊपर, जहां अगर आप बीमारी वाले क्षेत्र से चले हो तो आपको क्वारंटीन का एक झंडा लगा के चलना पड़ता था। तो कोस्टल एरिया में जहां पे भी आप जाओगे, तो कोस्टल एरिया में जैसे ही आप जाओगे आपका वो झंडा देख करके आपको रोक लिया जाएगा, इसमें बीमार आदमी है, तो आपको सोच समझ करके अंदर लिया जाएगा, मेडिकल जांच के बाद अंदर लिया जाएगा। तो 3 दिन तक वो जहाज पे रहे गांधी और उनका परिवार, और जब अंदर लिया गया डरबन में तब भी पिटाई हुई उनकी कि ये क्यों आया, धोखे से लिया गया। हमको लगा कि, यानी कि गांधी और उनके परिवार को लगा कि वो सहानुभूतिपूर्वक ले रहे हैं, और उनके साथ षड्यंत्र हुआ, मिस्टर बेकर और वो सब मिले हुए थे, तो कहानी बताई थी आपको। और फिर वो तो अगर एसपी की पत्नी नहीं आती, डरबन का एसपी जो था उसकी वाइफ ने उसको बचाया, नहीं तो गांधी की हत्या हो जाती। मॉब लिंचिंग, ये मॉब लिंचिंग का एग्जांपल है। तो खैर चलते हैं। देखिए एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको, यहां हम आपको राष्ट्र के खिलाफ भी नहीं भड़काना चाहते, ना ही हम धर्म विरुद्ध कोई बात करते हैं, ना ही हम राष्ट्र के विरुद्ध कोई बात करते हैं, और ना ही हम किसी पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। पार्टी, राष्ट्र, धर्म, इन सब चीजों के खिलाफ कोई बात नहीं होती। लेकिन यूपीएससी की तैयारी का एक पैटर्न है, इसकी तैयारी जो होती है वो, उसका अपना एक तरीका है। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लो, मेंस के क्वेश्चंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तैयारी होगी कैसे। इसकी तैयारी के कुछ आधार हैं जो मैंने आपको बताया थे। अब हम जब लेक्चर देते हैं तो उसमें कई बार ऐसा लगता है कि हम हिंदू धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, हम अभी जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, या हम राष्ट्र के कंसेप्ट के बाहर जा रहे हैं, ये राष्ट्रद्रोह है या राष्ट्र विरोधी बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इस एग्जाम का पैटर्न है और जो तरीका है और जिस प्रकार के सवाल आते हैं उसके लिए जो थॉट प्रोसेस की आवश्यकता है वो द हिंदू से प्रेरित होती है, खास करके करंट अफेयर्स के मामले में जो हमने पिछले लेक्चर लिया। अब आप द हिंदू पढ़ोगे तो पूरा आलोचनात्मक अध्ययन है। और एक और चीज है कि ये जो तैयारी होती है, ये इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है या बुक है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो उसका बेसिक बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सारी तैयारी कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द घूमती है। जब आप इकोनॉमी की बात करते हो तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। इकोनॉमी का सिलेबस जाकर के देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो नहीं है,
इकोनॉमिक्स में आप एमए करेंगे तो अलग सिलेबस आएगा, बीए करेंगे अलग सिलेबस आएगा, यहाँ तक कि 11 ट्वेल्थ में आपके इकोनॉमिक्स है तो एक माइक्रो है और एक मैक्रो है, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं और आर्ट्स वाले भी पढ़ते हैं, दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आप पूछ लीजिए, सिलेबस जाके देख लीजिए, एनसीईआरटी पे किताब डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें राष्ट्रीय आय, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी या इस टाइप की ये चीज़ें ज़्यादा होती है, गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर्स होते हैं। और उसमें भी सूचकांक और वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, परंपरागत इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जिसमें थिंकर्स हैं, उनके फॉर्मूले हैं, कर्व हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स का टच आता है, डिजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बजट किस प्रकार से बनता है, बजट क्या होता है, थोड़ा सा वो आता है तो थोड़ा पॉलिटी हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर वो उस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछते हुए ये हो जाता है कि बजट में इस बार इस का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, या इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप अप्रोच हो जाती है। तो आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, करंट इकोनॉमिक्स है, और वो सामाजिक आर्थिक विकास के ऊपर टिकी हुई है। तो सामाजिक और आर्थिक विकास क्यों हो, कैसे हो, कब हो, इसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बन जाता है कि किन लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करने की जरूरत है। तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात आती है, तो फिर गरीबी की बात आने लगती है। तो फिर ये आपके दिमाग में कौन ये करता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है, ये देश विरोधी बात है, ये धर्म विरोधी बात है, ये बीजेपी विरोधी बात है, ये आरएसएस विरोधी बात है, ऐसी चीजें प्रश्न क्यों उठते हैं? हालांकि कोई उठा नहीं रहा, मुझे किसी ने कहा नहीं अभी तक, एक सिंगल कमेंट भी नहीं है यूट्यूब पे, मैं खुद ही उठा रहा हूँ। और मैं इसलिए उठा रहा हूँ ये क्योंकि आपके मन में द्वंद्व हो सकता है, उसका कारण है हमारा मीडिया। 2014 से पहले का जो मीडिया है वो सरकार की, यानी 100% मीडिया सरकार की आलोचना करता था, सरकार के गुणगान नहीं करता था, सारे के सारे आलोचना में लगे रहते थे, न्यूज़पेपर आलोचना करते थे, सोशल मीडिया पे भयंकर आलोचना होती थी, और हम सब ने देखा आप लोग जो, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में अभी अभी उतरा है 3-4 साल से इस सरकार के आने के बाद, तो अभी 90% मीडिया जो है वो सरकार का गुणगान करता है, वो डरता भी है, उसका डर वाजिब भी है क्योंकि वो झेल नहीं सकता। दरअसल ट्रोल हो जाते हैं ना लोग, ट्रोलर्स हैं, ट्रोलर की एक भीड़ है। अब बीजेपी का जैसे आईटी सेल है वो पीछे पड़ जाएगा, इसलिए रविश कुमार को इसको आप बोलते हो कि वो गोदी मीडिया बोलता है, लेकिन उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो, और जिसको फेवर करना है वो जबरदस्त तरीके से करता है, वो बिल्कुल बिच जाता है, वो ये नहीं देखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जो डॉक्यूमेंट है उसकी भी भयंकर आलोचना हो जाती है, या कई बार उसको भी साइड कर दिया जाता है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ सा लगता है इतना। अब स्पीकर कितना जबरदस्त पोस्ट होता है, स्पीकर कभी पार्टी का नहीं होता, स्पीकर हमेशा न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होना चाहिए। और राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति है। लेकिन उपराष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि होली के बाद बात होगी दिल्ली दंगों पर, राज्यसभा में बोलते हैं, लोकसभा का सभापति जब बोलता है कि, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर तो न्यूट्रल होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है कि होली के बाद बात हो। अब ये जो लैंग्वेज है होली के बाद, पाकिस्तान वाला बोले कि रमजान के बाद होगी या ईद के बाद होगी तो क्लियर हो जाता है कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, बात समझ में आई ना। तो क्या किसी दिन भारत की संसद में इस प्रकार की कोई बात होगी कि ये बात रमजान के बाद होगी या ईद के बाद होगी, आप सुन सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं? चूंकि ऐसा नहीं कर सकते इसलिए वो सेक्युलर नहीं है, सेक्युलरिज्म समझ रहे हैं।
राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब ये कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ये लोग वहां किस हैसियत से पहुंचे और किसकी बदौलत पहुंचे? कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कहां लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेगा कौन सा प्रश्न उठाया जाना चाहिए, किस चीज पे चर्चा होगी नहीं होगी, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज क्या है? होली के बाद आप मंडे बोलिए, तारीख बोलिए, 13 तारीख को होगी, 14 तारीख को होगी। तो दरअसल क्या है कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता ना कि लोग इस प्रकार से भी मूल्यांकन करेंगे होली के बाद बोल दिया तो। मतलब दरअसल वो अंदर अंतर्मन से बोल रहे हैं ना, क्योंकि हिंदू हैं और हिंदू तो की सरकार है और हिंदू तो एजेंडा है और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनने में आपको ज्यादा देर नहीं रही, ये हो गया। जब आपका लोकसभा का अध्यक्ष ये बोलने लग जाए और उपराष्ट्रपति जब ये बोलने लग जाए कि होली के बाद चर्चा करेंगे दंगों पे, अभी हम कोरोना पे कर सकते हैं, कोरोना पे तो एक भी नहीं मरा अभी, दंगों में तो मर गए ना 50 आदमी लगभग, दिल्ली दंगों में तो 47 जो भी उसमें तो मर गए। अच्छा, वो प्राकृतिक चीज है, उसमें आप चर्चा करके भी कुछ नहीं कर सकते, आ रहा समझ में? और ये मानवीय आपदा है, ये मनुष्यों के द्वारा पैदा की गई समस्या है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका समाधान हमारे पास है, उसका समाधान बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। या तो रिसर्च टीम के पास हो, लोकसभा के पास तो कतई नहीं है, क्योंकि उसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसके इलाज खोजेगा या उसका वैक्सीन बनाएगा। लेकिन ये जो दंगों में मरे, इसका इलाज लोकसभा के पास है, आने वाले समय में दंगे ना हो, इसलिए चर्चा किस पे होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब दंगों के उसने पेंडिंग कर दिया, बोले बाद में सुनेंगे, पुलिस को कहा आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? बोले हालात और बिगड़ जाते अगर हम इसको गिरफ्तार कर लेते, कपिल मिश्रा को और इनको। तो क्या इन्होंने वो वैसे बयान नहीं दिए थे भड़काऊ? बोले दिए थे। फिर बोले नहीं अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो कब करोगे? बोले वो बाद में देखेंगे, अभी करेंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे, लोग और भड़क जाएंगे। तो मान लिया जाए कोई गांव ऐसा है जिसमें बहुत अपर कास्ट के लोग रहते हैं और दलित आदमी के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो थाना इंचार्ज इस कारण से एफआईआर दर्ज नहीं करेगा और उसको अरेस्ट नहीं करेगा कि ये और ज्यादा पीटेंगे दलितों को अगर हमने इनको अरेस्ट कर लिया तो और खतरनाक बात होगी। तो आर्टिकल लिखने वाले जब द हिंदू में लिखते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिखते हैं, और आपसे भी जब प्रश्न पूछा जाएगा यूपीएससी में, मेंस में और फिल्म्स में, तो उसकी लैंग्वेज यही होगी कि क्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूप संसद का बचा है। आया ना समझ में? वो आपसे क्वेश्चन करेगा, अब उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, तो हमको भी यहां आपको उसी तरीके से समझाना पड़ेगा। हम लिपा पोती नहीं कर सकते, जी न्यूज जैसा कर देता वैसा हम नहीं कर सकते, हम डीएनए एनालिसिस वो नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो लिपापोती हो जाएगी, पढ़ने जैसा कुछ रहेगा नहीं। आया ना समझ में? इसलिए एक्सक्लूसिवली आप अपने आप को आइसोलेट करके रखो, जैसे इसमें करते हैं कोरोना में। किसे? धर्म से। धर्म से इसलिए करके रखना पड़ेगा क्योंकि उसका भाव जो है सेक्युलरिज्म का भाव नहीं है। इसका ओरिजिन हुआ है यूरोप से। सेक्युलरिज्म वर्ड जो आया है वो हमारे यहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वैसे ही सभी को वसुधैव कुटुंबकम बोला गया है, तो सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ है। लेकिन हमारा सेक्युलरिज्म, ये जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, ये आया है यूरोप से और फ्रांस की क्रांति में, और इसमें साफ साफ कहा गया था कि धर्म जो है 3 चीजों का दुश्मन है। एक तो इक्वालिटी, इगलिते, फ्रेटर्निते और लिबर्ते, यानी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इन 3 चीजों का दुश्मन माना गया धर्म को, चर्च को, और चर्च वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया जब फ्रांस की क्रांति हुई, क्योंकि वो मिक्स कर दिया गया था, धर्म हावी हो गया था, धर्म और जो राजतंत्र था
वो दोनों मिक्स थे। राजा धर्म के पोप के हिसाब से, पादरी के हिसाब से काम करता था, चर्च जो बोलता था वो राजा को करना पड़ता था। उस बीच गैलीलियो को भी दिक्कत आई, वैज्ञानिकों को भी आई, उन्होंने कहा पृथ्वी घूमती नहीं है, ये नहीं होता, फलाना नहीं है, गोल भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फांसी पे चढ़ाने की नौबत आई। वैज्ञानिक वैज्ञानिक बात आप कर नहीं सकते, तर्कसंगत बात आप कर नहीं सकते, बराबरी की आप बात नहीं कर सकते, स्वतंत्रता नहीं दोगे, और भाईचारे जैसा माहौल नहीं, हम कह रहे हैं वैसा करो, तो उनको झगड़ाने में मजा आता था। तो जब जनता को ये चीज समझ में आई कि ये तो बड़ा बेकार है धर्म, तो और फिर इसी बीच मार्क्स आ गया और उसने कहा धर्म अफीम है। तो यूरोप में एक ये क्रांति हुई जिसको हम पुनर्जागरण भी कहते हैं, रेनेसां, और तमाम वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी और ये सारी चीजें जो आप जानते हो, इसमें धर्म के परखच्चे उड़ गए, खत्म हो गया धर्म, चर्च को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा ये दुश्मन है, किसका दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इसके साथ मानवता जोड़ दी गई, ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने कहा धर्म ह्यूमैनिटेरियन नहीं हो सकता, अगर धर्म मानव धर्म जैसा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो जातिवाद सिखाता है, अगर वो रंग भेद सिखाता है, अगर वो किसी को सुपर बना देता है और किसी को नीचे कर देता है, और चर्च अगर अवैज्ञानिक हो जाता है, साइंस को प्रमोट नहीं करता, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट नहीं करता, अंधविश्वास फैलाता है जनता में, दादागिरी करता है, डिक्टेटरशिप करता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने होलोकॉस्ट देखा था कि जर्मनी का हिटलर क्या करता था, गैस चेंबर में डाल देता था, किनको, मात्र यहूदियों को, क्योंकि आप जर्मन नहीं हो। तो हिटलर के सामने जर्मन होना बहुत जरूरी था, तो उसी से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नेशनलिज्म, ये कट्टरता है। और जो जो राष्ट्र कट्टरता की तरफ गया, तो जर्मन के क्या हालात हुए, पाकिस्तान कट्टरता की तरफ गया, तो आपने देख लिया कट्टरता से क्या होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय में वो संविधान बना रहे थे, उसके 2-3 साल पहले होलोकॉस्ट देखा था, उनके दिमाग में गूंज रहा था कि अगर हमारे संविधान में हमने डिक्टेटरशिप दे दी या किसी एक धर्म विशेष को महत्व दे दिया, तो सेक्युलर वर्ड तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है बाद में जुड़ा है संशोधन के द्वारा, तो आप याद करिए कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से सन में जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है ना, आप जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप देखें तो प्रस्तावना में शब्द जरूर बाद में जोड़ा गया, लेकिन हर पेज हमारा सेक्युलर है, कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि धर्म के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको बोला गया सेक्युलर डेमोक्रेसी, इसको बोला गया सेक्युलर डेमोक्रेसी। तो जब यूरोप में, जहां होमोजीनस सोसाइटी है, जहां लगभग एक ही जाति के लोग हैं, जहां जातियां नहीं हैं, जहां धर्म भी अलग अलग नहीं है, बस लूथरन और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और ऐसे चर्च हैं, अलग अलग चर्च हैं, तो उन्होंने बहुत दौड़ा दौड़ा के चर्च वालों को पीटा और कहा कि अगर आपको चर्च बनाने भी हो तो चौराहे और फ्रंट लेन में मत बताना, पीछे बनाना, बैक लेन में बनाना, कहीं दिखना नहीं चाहिए चर्च तुम्हारा, अपनी आराधना करना है, घंटा बजाना है चर्च में, पीछे से जाके बजाओ, ये सामने नहीं होना चाहिए, यहां से मानवता होगी, यहां समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, ठीक है, और भाईचारा होगा, ये लड़ाने झगड़ाने वाला काम खत्म करो, ये बकवास करना मत। यहां बहुत सख्त हिदायतों के साथ उन्होंने धर्म को एक तरह से उसके परखच्चे उड़ाए, ये वर्ड यूज किया जाता है, परखच्चे उड़ाए, फ्रांस की क्रांति में और तमाम प्रकार की क्रांतियों में, और राजतंत्र को खत्म करके डेमोक्रेसी की स्थापना की, पॉपुलर डेमोक्रेसी, पब्लिक के द्वारा शासन का चलना, और आर्थिक नीतियां उस हिसाब से बनाई जाने लगी, लोगों के हिसाब से उनको लाभ पहुंचाया जाने लगा। तो सेक्युलरिज्म वर्ड जो मॉडर्न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो भारतीय संस्कृति का सेक्युलरिज्म अलग है, जो हमारी कल्चर में था
पर उसमें तो उतनी छूट नहीं थी, उसमें तो सती प्रथा भी थी, क्योंकि महिलाएं जो है वो अधिकार मांगती, पति मर गया तो उसको जला दिया जाता था ताकि वो बंटवारा ना मांगे, संसाधन सारे के सारे बचे हुए जो जिंदा रहेंगे, तो पुरुष प्रधान समाज था, महिलाएं तो जला दी जाती थी, उसमें महिलाओं का ज्यादा स्थान नहीं था। दलितों का आप जानते हैं 1500 साल से भयंकर गुप्त काल में जो छुआछूत शुरू हुई थी, अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी जाति प्रथा की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है 300 ईस्वी के आसपास। तो 1700 साल तक इस देश ने छुआछूत और भेदभाव को देखा और 1700 साल तक सती होते हुए देखा है, 1600 साल तक सती होते हुए देखा है महिलाओं को। तो महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी जाति, ऐसे में सेक्युलरिज्म शब्द अगर नहीं डाला जाता, हालांकि वो पश्चिम का है, तो जिस भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं वो तो वैदिक संस्कृति में तो महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बाद, मौर्य काल के बाद, बुद्ध और महावीर की क्रांति हो गई इस बीच में, तो उन्होंने तो वेदों तक की धज्जियां उड़ाई, उन्होंने तो कहा ये वेद भी गड़बड़ है, क्योंकि वेदों से सारी खामी शुरू हुई, वेद की गलत व्याख्या कर रहे हैं लोग, ऐसे वेदों को भी हम नहीं मानते। उस समय में नास्तिक उसको नहीं कहा जाता था जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि उसको कहा जाता था जो वेदों को नहीं मानता। तो बुद्ध और महावीर को नास्तिक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते, बाकी ईश्वर को तो वो मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं लेकिन वेदों को नहीं मानते, बात समझ में आ रही है? तो दो क्रांतियां क्यों हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्रांतियां किसके खिलाफ हुई, वैदिक धर्म के खिलाफ हुई, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आकर के महाजनपद काल में आकर के सब गड़बड़ हो गया। और रामायण महाभारत काल जो महाकाव्य काल है उसको महिमा मंडित करके उसको भी जो है धर्म का विकृत स्वरूप बना दिया गया। इस बीच में इस्लाम का उदय भी हो गया क्योंकि इस्लाम भी इसी से परेशान होकर के बना था, लेकिन इस्लाम और ज्यादा रूढ़िवादी हो गया, उसने अपने आप को डायनेमिक नहीं रखा, वो जड़ हो गया। उसको लगा कि हमारे मोहम्मद साहब ने कहा, मोहम्मद साहब ने प्रासंगिक बात कही थी, रिलेवेंट कही थी, उस समय के हिसाब से वो सही थी, 5वीं 6वीं शताब्दी के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि लोग बहुत अंधविश्वासी हो गए थे और पूजा पाठ के सिवा कुछ करते नहीं थे। तो उन्होंने कहा सुधरो तुम, ये क्या रात दिन पूजा पाठ करते हैं, देखो ईसाइयों को देखो, अभी 500 साल पहले पुराना धर्म है लेकिन कितना प्रोग्रेसिव हो गया। मैं यरूशलम जाता हूँ देखता हूँ कि कितना वो रोशन दिमाग है, कितना आगे बढ़ गए, वो व्यापार करते हैं, तुम रात दिन पूजा पाठ करते रहते हो, हवन करते रहते हो, अगरबत्ती लगाते रहते हो, जब देखो तब मूर्ति के सामने बैठे रहते हो, ये क्या तरीका हुआ। लोगों ने उनको भी पीटा, बुद्ध की भी पिटाई हुई, महावीर के भी, सबको यातनाएं झेलनी पड़ी, गांधी को भी झेलना पड़ी, सबको, जो भी रिफॉर्मर होगा उसकी हालत खराब होगी, उसको गालियां सहन करना पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव को हमारे ब्राह्मणों ने पंडों ने बहुत धमकियां दी, खुद ब्राह्मण थे लेकिन बहुत धमकियां सही, क्योंकि महिलाओं से यज्ञ करवा रहे थे, छोटी जाति के लोगों को यज्ञ में बिठा रहे थे, वही जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान जो हम नारा लगाते हैं, ऐसा बोल देना मतलब 1948 में 42 में 50 में देश आजाद हुआ था तत्काल, ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा था, प्रस्तावना बोल रही थी, तो गुरुजी प्रस्तावना ही बोल रहे थे, लेकिन प्रस्तावना बोलना भी जो है वो गुनाह था, बात समझ में आई ना। तो हमारे जो दो बड़े नेता हैं वो गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री, उनको ये इस प्रकार का आदत नहीं है कि कोई मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के धरने पर बैठ जाएगा और वायलेंस भी नहीं करेगा, तो उनका दिमाग खराब हो गया, बोले ये क्या झंझट है, वो गांधी वाला है ना लफड़ा, वो गांधी के वहीं से आया, लेकिन उनको आदत नहीं है, उनको आदत है कि कोई गुस्से में आया तो फिर हम उसको फोड़ दें, और ये वो करते आए हैं। तो वहां हो गया शाहीन बाग, और शाहीन बाग इतना पॉपुलर हुआ है कि किसी भी शहर में अगर कोई आंदोलन करता है तो वो बोलता है कि ये इंदौर का शाहीन बाग है। अब समझ में आ रहा, मतलब उसकी तुलना होने लगी, तो उनका दिमाग खराब हो गया, और उनके जो छुटभैया नेता हैं उनका और ज्यादा,
मंत्रियों का दिमाग और, तो वो ले बैठे धमकी भरे बयान। और वो ऐसा नहीं कि उधर से नहीं हुआ होगा, उधर से तो दिमाग वैसे भी गर्म रहता है, तो वो और ज़्यादा गर्म थे, उन्होंने भी किया, दोनों तरफ से हुआ, गलतियों पे गलतियां हुई और आपने रिजल्ट देखा कि इतने लोग मर गए। तो इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं हमारे संविधान निर्माण से और सेक्युलरिज्म शब्द से? तो 3-4 आर्टिकल आपको द हिंदू में पिछले दिनों इसके बारे में देखने को मिले होंगे। तो कुल मिला के इसका ओरिजिन है यूरोप में, और हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस जो हुआ वो एक संवैधानिक संशोधन से हुआ, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है और संविधान में जो आप प्रस्तावना पढ़ते हो जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रीडम जो आप कहोगे कि ऐसा कोई फ्रीडम नहीं है जो राष्ट्र के खिलाफ हो, तो 19 में तो साफ साफ लिखा हुआ है सरकार चुन ली जाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात है सरकार चुन ली गई, लेकिन अगर सरकार का कोई नियम और कानून अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए? निशस्त्र होना चाहिए, उसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। घूमने फिरने की आजादी है। 144 कौन लगाता था? आईपीसी कौन? लॉर्ड मेकाले का बनाया हुआ आईपीसी है। तो अंग्रेजों को 144 लगानी पड़ती थी, किनके खिलाफ? भारतीयों के खिलाफ, तो अभी हमने हटा ही नहीं। सेडिशन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था, तो वो सेडिशन के चार्जेस हैं। अभी तो कोई बात करना राजद्रोह नहीं हो सकता, राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता, अब तो राष्ट्रद्रोह राजद्रोह जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो दरअसल आपकी जो तैयारी है उसका आधार जो किताब है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं परीक्षा में। आपकी जो भी भावना है वो आप अपना निजी तौर पर रखो। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिक्कत है, अंदर आप भावना रखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और आप भाई मानते ही नहीं हो, भाईचारा चाहते ही नहीं हो, आप चाहते हो ये सब लोग चले जाएं यहाँ से, नहीं तो गोली मार दो इनको, ये गद्दार हैं। जब आप ऐसी भावनाएं रखोगे और पढ़ोगे ऐसी चीज, तो फिर क्या है, मुझे लगता है आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि अंतर्द्वंद बहुत खतरनाक होगा। अच्छा, भाषा भी दिल से निकलने वाली है नहीं, तो एक प्रॉब्लम तो है इस तैयारी के साथ में। आपको वैसा बनना पड़ता है। कैसा बनना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बनना पड़ता है, संवैधानिक बनना पड़ता है। अब चीफ जस्टिस को कैसे नींद आ जाती होगी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मतलब वो दबाव में आप फैसला भी दे दो उसके बावजूद आप सो जाओ चैन से, कमाल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा। अभी बीच में वो एक याद दिला रहे थे, एक आर्टिकल आया था, जस्टिस बोबड़े ने कहा कि कर्तव्यों को याद रखें, कर्तव्य निभाएं अपना, अधिकार बाद में देखे जाएंगे, आपको अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। और ये गांधी को कोट किया उन्होंने, गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा था। इसे तो हमने कहा हमारा नवयुग का संविधान है, नीचे आप किताब पढ़िए हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, उसमें लगभग लगभग ड्यूटीज ही बताई गई हैं कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, मतलब ये ड्यूटी है कि हम सुधरें, अपने आप युग सुधर जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई कंडीशन नहीं रखता फंडामेंटल राइट्स में, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारे अधिकार वहीं तक हैं कि वो दूसरे को प्रॉब्लम खड़ी ना करें। तो शाहीनबाग के मामले में एक ही तर्क ये दिया जाता है कि आप रास्ता बंद करके बैठे हो, तो आपको अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करना है तो उतना ही करो कि जिससे दूसरे को परेशानी ना हो, तो ये तर्क यहाँ पर लग सकता है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आता है। लेकिन चीफ जस्टिस ये बोलें कि आपको कर्तव्य याद है, ऐसे तो एट्रोसिटी एक्ट में या महिला को अधिकार देते समय या महिला के साथ अगर छेड़छाड़ हुई और अगर वो थाने में गई और उसको कर्तव्य याद दिलाने लग जाएं कि देखो, अच्छा कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं हमेशा, अधिकार नहीं देने पड़े इसलिए महिला को कहा जाता ना कि तुम लड़की हो, बार बार याद दिलाया जाता है तुम लड़की हो, तुम्हें जोर से नहीं हंसना चाहिए, तुम्हें इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए, तमीज से रहो, तुमको पता होना चाहिए तुम एक लड़की हो, ये सब क्या है, ये कर्तव्य याद दिलाने जैसा है। अब मान लीजिए आप गए और आपके साथ छेड़छाड़ हुई या कुछ हुआ और आप थानेदार आपको राइट्स, तो ये है कि वो
सीधा सीधा FIR दर्ज करे और सामने जिस भी व्यक्ति की शिकायत लिखाई जा रही है उसको जाके गिरफ्तार करे। लेकिन अगर वो ये कहने लग जाए जस्टिस बोबड़े की तरह कि आपको ऐसे रात में नहीं निकलना चाहिए अकेले में, आपको 7 बजे अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहिए, पुलिस वाला जब ऐसा समझाने लग जाए तो फिर तो देश में किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप वल्नरेबल सेक्शन है ना, वो ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी उसकी उसको अधिकार इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो परेशान है, चाहे वो एट्रोसिटी वाले एक्ट जितने भी हैं अत्याचार वाले, चाहे वो महिलाओं के लिए हो। अब वो आप किसी दलित को ये बोल दें तुम्हें पता है कि तुम दलित हो और घोड़े पे बैठोगे तो इस सवर्ण जाति के लोग आकर तुम्हारी पिटाई करेंगे, तो तुमको बैठना नहीं चाहिए था, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, चुपचाप शादी करते, ये सब शोरगुल करने की क्या जरूरत है, बैंड बजाने की, घोड़ा लाने की, फिर उस पर बैठना, ये सब क्या नाटक है। तुमको पता है तुम निम्न जाति के हो, तुमको पैदल चलना चाहिए, चुपचाप अपने मोहल्ले के उधर रहना चाहिए, गांव में घूमने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से यदि ड्यूटी याद दिलाई जाएंगी तो फिर राइट्स तो खत्म ही हो गए। और यही बात आप कह दो कि ये हमने बना दिया है और चूंकि उसमें लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में हुआ है, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए थे और तुमने अपना वोट उस समय दे दिया था और उसी चुनी हुई सरकार ने जो है ये सब बनाया है तो तुम उसके लिए बाध्य हो। तो 19 में दिया ही इसीलिए स्वतंत्रता का अधिकार कि यदि मान लिया जाए हमारी चुनी हुई सरकार के द्वारा 5 साल के लिए हमने अपना मत जो है वो गिरवी रख दिया, अब हम 5 साल तक तो वोट नहीं दे सकते, इस 5 साल के बीच में यदि कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ या हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है तो हम सड़क पे आ जाएंगे, यही तो अधिकार है। तो अधिकार उसमें छुपा पड़ा है और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स है। और राइट्स को यदि आप ड्यूटीज में बांध दोगे तो ड्यूटीज में आप किसको बांध रहे हो, जो वल्नरेबल सेक्शन है, यानी समाज का ऐसा तबका जिस पे आक्रमण हो सकता है, समाज का ऐसा तबका जिसका शोषण हो सकता है, समाज का ऐसा तबका जिसका जिसके ऊपर अत्याचार किया जा सकता है, ऐसे सेक्शन के ऊपर आपने ड्यूटीज की जिम्मेदारी और बर्डन भी उसी के ऊपर डाल दिया ड्यूटीज का कि आपको ड्यूटी निभानी चाहिए। आपके परिवार में सबसे ज्यादा कर्तव्य किसे याद दिलाए जाते हैं, लड़कियों को ना कि लड़कों को? लड़कों को कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं या फिर लड़कियों को याद दिलाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तुम पराए घर जाओगी, तुमको तैयारी करनी चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। तो वल्नरेबल कौन हुआ, एंडेंजर्ड कौन हुआ, खतरे में कौन है, उसी को आपने और बर्डन दे दिया कि ड्यूटीज भी आपको ही निभाना है। ऑलरेडी शोषण भी उसी का हो सकता है, अत्याचार भी उसी पे हो सकते हैं, यहां पर भी और वहां पर भी, ससुराल में भी, घर में भी और वर्किंग प्लेस पे भी, और ड्यूटीज भी सारी उसकी है, तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। तो माइनॉरिटीज जो है, तो मेजोरिटेरियन सोसाइटी में माइनॉरिटीज जो है वो वल्नरेबल है क्योंकि वो कम संख्या में है, और वो बर्डन अगर आप उसी के ऊपर डाल दोगे ड्यूटीज का तो फिर वो राइट्स को कैसे एंजॉय करेगा। तो राइट्स वर्सेस ड्यूटी। अब अध्यात्म की बात छोड़िए, अगर हम गायत्री परिवार के हिसाब से बात करें तो यहाँ तो हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यानी आप खुद सुधर जाओ युग अपने आप सुधर जाए, आपको दूसरी तरफ बोलने की जरूरत नहीं है। राइट्स की बात मत करो, कर्तव्य अधिकार भूल जाओ, कर्तव्य याद रखो, यहाँ हम बात करते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं और हम लोग निभाते भी हैं उसको, अधिकार भूल जाओ कर्तव्य याद रखो। लेकिन ये बात चीफ जस्टिस नहीं बोल सकते, बात समझ पाए ना? तो द हिंदू जो अपने आर्टिकल में लिखता है वो इस वजह से लिखता है कि चीफ जस्टिस को ये कतई नहीं करना चाहिए कि वो जनता को याद दिलाए कि ये जो बर्डन है ये आप उस वल्नरेबल सेक्शन पर शिफ्ट कर दो कि वो ड्यूटीज को याद रखेगा, वो ड्यूटीज निभाए बाद में कर्तव्यों की। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देते समय में सिर्फ ये शर्त रखता है कि आपका जन्म भारत में होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। आपका जन्म भारत में हो गया मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स पक्के हो गए,
अब कोई प्री कंडीशंस लागू नहीं हो सकती कि अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे अधिकार हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्लूसिवली राइट्स दिए गए हैं और उसकी एक ही शर्त रखी गई है, और बल्कि ये कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसको कहा गया? 32 को। रेमेडीज, अंबेडकर उसको क्या बोलते हैं? संविधान के सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट तक सीधे जा सकते हो अगर वायलेशन होता है। किसका? फंडामेंटल राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट तक सीधे जाओ, रीट्स आ जाती हैं उसमें, सारी आती है ना। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलता है कि पहले कर्तव्य निभाओ तब अधिकार मिलेंगे। तो गांधी जी हिंद स्वराज में 1920 में लिखते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। वो अपनी जनता को तैयार कर रहे हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो दरअसल वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की बात नहीं कर रहे, बल्कि मानवीय कर्तव्य और भारतीय होने का कर्तव्य निभाने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं कि आपको भारतीय होने के लिए आपको सर कांग्रेस संगठन में आना चाहिए, खादी पहनना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन में भाग लेना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्यों की बात वो हिंद स्वराज में उस समय में कर रहे हैं। उस समय में वो जो आप उस कोर्ट को यहां उठा करके नहीं डाल सकते अभी इन दिनों में, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो लेखक होते हैं ना, जो द हिंदू में लिखते हैं, वो दरअसल यूपीएससी की सोच के, इसीलिए यूपीएससी का अखबार माना जाता है द हिंदू। बात समझ में आई ना? तो पूरी परिस्थिति बदल गई। अब आप मीडिया में जाकर के देखोगे तो पूरा ये कहीं विश्लेषण है इस तरह से? इस तरह का विश्लेषण नहीं मिलेगा, लेकिन द हिंदू में होगा। लेकिन द हिंदू इंग्लिश में होता है, अच्छा, और कोई एनालिसिस करके बताता नहीं इस तरह से, क्लियर नहीं करता। और खास करके हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो फिर वंचित हो जाते हैं। वो बोलते सर दैनिक जागरण पढ़ें या आप दैनिक भास्कर पढ़ें। मगर दोनों ही मत पढ़ो क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, हम जो बता रहे हैं वैसी सोच तो कहीं है नहीं। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो थॉट प्रोसेस जाएगा वो इस लेवल पे जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसने डाली थी? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी उस समय कौन थी? डिक्टेटर। उस समय वो तानाशाही अवस्था में थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई जो है अधिकारों की मांग करे। मैंने बोल दिया क्योंकि इमरजेंसी लगाई हुई थी, मैंने बोल दिया मतलब वो सही है। हिटलर क्या चाहता था? हर जर्मन ड्यूटी करे, हिटलर यही चाहता था। तो डिक्टेटरशिप, और इसको सेक्युलरिज्म से जोड़ दोगे तो धर्म क्या लाता है? कट्टरता और डिक्टेटरशिप। और धर्म बार बार क्या याद दिलाता है? ड्यूटी करो। सेक्युलरिज्म क्या दिलाता है? स्वतंत्रता मतलब अधिकार। को समझ में आ रहा है? इसलिए धार्मिक रूप से जब हम कट्टर होंगे तो हम हिटलर के नजदीक जाएंगे। और एक वंश एक जाति और उसी को फेवर करेंगे। वनरेबल सेक्शन को एट्रोसिटी करेंगे, उनके साथ अत्याचार होंगे और उसको जायज ठहराया जाएगा। अत्याचार को जायज ठहराया जाएगा कि बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए और तुम एंटी नेशनल हो। उसको क्या बोला जाएगा? तुम एंटी नेशनल हो। अब बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कई सारे प्रश्नों के जवाब जो है इन दिनों जो मीडिया में चल रहे हैं उसके आपको जवाब मिले होंगे। तो यूपीएससी में जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपका जो लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए? तो आप, मुझे लगता है मेंस में लिखने का एक लैंग्वेज डेवलप कीजिए। वो कैसा लैंग्वेज होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रीएम्बल के आसपास घूमना चाहिए, ठीक है। और देखो, आपको बहुत ज्यादा, आप जैसे आप कौटिल्य के पास जाओगे तो वहां 3-4 तरह के सीरियल बने। अभी सम्राट अशोक के ऊपर एक सीरियल आया था,
वो पूरी तरह से रिलीजियस बना दिया और उसको हिंदू धर्म का बना दिया, भगवा झंडे थे और वो सब, जबकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाया था। और चूंकि वो अभी अभी सम्राट अशोक का सीरियल बना था तो उसको हिंदू बना दिया। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने जो चाणक्य लिखा और जो बनाया उसको काफी हद तक हिंदू धर्म का अलग टाइप का टच दे करके उन्होंने वो कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि किताबें हुई, सीरियल हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, टीवी मीडिया हुआ, इसने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि वो काफी कुछ सत्ता के आसपास घूमता है और सत्ता को समर्थन देता है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लें। तो वो जो नॉलेज है वो फिर आपको रैशनल नहीं बनाता, ना आप वैसा लिख सकते हो। इसलिए आप क्या होगा कि जब आप थिंकर्स के पास जाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, यानी मेगस्थनीज की इंडिका से भी जोड़ना पड़ेगा, कौटिल्य के साथ साथ प्लेटो को भी जोड़ना पड़ेगा, एरिस्टोटल को भी जोड़ना पड़ेगा, और फिर इधर आओगे तो बिस्मार्क और तरह तरह के जो और लोग हैं, जेम्स मिल, मार्क्स, और फिर यहाँ तक कि लेनिन तक, और टॉलस्टॉय, लेनिन और जॉन रस्किन बॉन्ड, और ऐसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रविन्द्रनाथ टैगोर, अंबेडकर, नेहरू, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपको लेना पड़ेगा, फ्रीडम स्ट्रगल तक आते आते। तो आप पूरा एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको लिटरेचर को यूनिवर्सली जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर, यानी मार्टिन लूथर किंग की क्रांति और नेल्सन मंडेला, अभी तक जो आपके जो साहित्य में नोबेल मिले हैं इस प्रकार के राइटर, भारत में जिनको भारत रत्न मिल चुके हैं ऐसे लोगों के विचार, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, वही सब आप जो थिंकर एथिक्स वाले पेपर में पढ़ते हो उन सबको भी, वैज्ञानिकों के विचार भी, अब्दुल कलाम के विचार तक, ये सब विचारों का संग्रह करके आपको कहीं ना कहीं अपने आंसर को एक डिजाइन देना पड़ेगी। और इन सब लोगों का जो है जाकर के जो संयुक्त विचार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के आसपास घूमेगा, भाईचारे के आसपास घूमेगा, समानता स्वतंत्रता के आसपास घूमेगा, लोकतंत्र के मूल्य, वैल्यूज, लोकतंत्र की कैसी वैल्यूज होती हैं, लोकतंत्र कैसे बचाया जा सकता है। अनिता बर्नी सैंडर्स जो है वो अमेरिका के अगले डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, और लगभग उनकी पॉपुलैरिटी पिछले सप्ताह जो है वो अभी के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी आगे निकल रही है, और वो फिर वहां से खड़े खड़े जब बोल रहे हैं कि आप अपने यहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं उनका ख्याल रखिए, CAA पे पुनर्विचार कीजिए, तो हमारे भी संतोष और तमाम जो ऐसे नेता हैं बीजेपी के उन्होंने कहा हम तुमको हराएंगे, ट्रंप को सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ठीक करो। अब उसकी पॉपुलैरिटी वहां बढ़ रही है क्योंकि उसने वहां के वल्नरेबल सेक्शन को पकड़ा जो वोट नहीं देता था, गरीब था, पिछले कुछ सालों में गरीब लोगों ने वहां दबे कुचले लोगों ने वोट देना बंद कर दिया, क्योंकि पिछली बार भी जो पॉपुलर वोट थे वो हिलेरी क्लिंटन के ज्यादा थे, ट्रंप के कम थे, लेकिन वो दूसरे जो कोलेजियम टाइप की जो चीजें होती हैं और अलग अलग स्टेट के साथ जो संतुलन बैठता है वोटों का, उसमें ट्रंप जीत गया। इस बार वहां पॉपुलैरिटी, उसने कहा आप सबको निकल करके आना है और वोट करना है, अपने लिए नहीं अपने देश के लिए। उसने ट्रंप को एक तरह से पागल घोषित कर दिया, उसने कहा ये बेकार है आदमी, इसको समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए, हर किसी को धमकी देता रहता है, कुछ तो भी करता रहता है, और ये अमेरिका के शान के खिलाफ भी है। अमेरिका बड़ा रैशनल है, बड़ा वैज्ञानिक देश है और अलग प्रकार का देश है और प्रोग्रेसिव विचारधारा वाला है, तो वो सेंट्रिस्ट भी नहीं है, राइटिस्ट भी नहीं है, ये अल्ट्रा राइटिस्ट विंग है। रिपब्लिकन हमेशा राइटिस्ट रहे हैं लेकिन ट्रंप अल्ट्रा राइटिस्ट है, इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जब अमीर लोग चुनाव जीतते हैं या चुनाव को प्रभावित करते हैं या चुनाव की फंडिंग करते हैं और चुनाव जितवाते हैं तो ऐसी घटना को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेट्स हैं।
तो प्लूटोक्रेसी हारेगी और एक तरह से प्रोग्रेसिव विचारधारा, खुद डेमोक्रेट्स में जो है बर्नी सैंडर्स को उतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि वो सेंट्रिस्ट नहीं है। सेंट्रिस्ट मतलब मध्यम मार्गी विचारधारा वाला, जो लेफ्टिस्ट भी ना हो और जो राइटिस्ट भी ना हो और अल्ट्रा राइटिस्ट भी ना हो, सेंट्रिस्ट रहे। तो अभी तक जो डेमोक्रेट्स होते थे, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, सब ये लगभग लगभग सेंट्रिस्ट थे। ये एकदम गरीबी और दबे कुचले लोगों की बात नहीं करते थे, अमीरों की बात भी करते थे, उनकी भी करते थे, लेकिन उस हद तक नहीं करते थे। बर्नी सैंडर्स वो व्यक्ति आया कि मैं अमीरों की बात नहीं करूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा। क्योंकि पिछले 20-25 सालों में आय में असंतुलन बहुत हुआ, इनकम में इम्बैलेंस आया, और अमेरिका में अमेजॉन के विकास से और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, फेसबुक, इन सब की वजह से अमेरिका में असंतुलन बहुत आ गया। ये सबसे बड़े जायंट के रूप में उभरे और गरीबी बहुत बड़ी। तो 60,000 पर कैपिटा इनकम है और पर अभी अमीर बहुत हैं, बिल गेट्स और टिम कुक, एप्पल और ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी 8-10 कंपनियां हैं, उनके पास लगभग 70% 80% पैसा है पूरे देश का। तो इसका मतलब है कि वही पूंजीवाद आ गया और वही साम्यवाद की आंधी और वही गरीब लोगों की बातचीत वहां होने लगी। तो इस बार उन्होंने कहा कि तुम दबे कुचले लोगों, तुम बाहर निकलो, तुम वोट देने जरूर आना, इस बार जरूर आना, मेरे लिए आना, अपने लिए आना, हम सब बदल के रख देंगे। तो इस बार के नतीजे जो है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार के अंदर काम करने वाले और सीधा सीधा बीजेपी और आरएसएस उनको चुनौती देते हैं कि हम खुल करके ट्रंप के साथ आ रहे हैं। पर आपको मालूम है उन्होंने ऑफिशियली प्रचार किया ट्रंप का, और वहां जाकर के भी किया, अमेरिका में जाकर के भी किया, यहाँ आकर के भी किया। और अगर बर्नी सैंडर्स जीत गया तो राजनीति तो बदल जाएगी पूरे अगले 20-25 सालों के लिए, क्योंकि एक आदमी अगर जो सेंट्रिस्ट नहीं है और प्रोग्रेसिव है, उसको हम लेफ्टिस्ट भी नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब गरीबों की बात करने वाला, विकास की बात करने वाला, वैज्ञानिक बात करने वाला, उठपटांग भाषण नहीं देगा, हर किसी को धमकी नहीं देगा, हर कहीं टांग नहीं फंसाएगा, अपने देश का विकास करेगा, अपने देश के गरीबों की बात करेगा, अमीरों की बात नहीं करेगा। अब जब बात हुई नाभिक के रिएक्टर की, तो लाखों करोड़ रुपया, करोड़ डॉलर का जो खर्चा है वो किसको जा रहा था? डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को। अभी जो डील हुई किसके साथ हुई? डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से हम न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदेंगे, यानी वो उनकी कंपनी स्थापित करेगी। वो एक लोकल स्कैम है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है वो वहां एक घोटाला कर रहा है, कहां पर? अमेरिका में। ये द हिंदू वाले लिखते हैं, सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि वो एक घोटाला करने जा रहा है अपने देश में, अमेरिका में। और चूंकि हमने राष्ट्रपति को यहां बुलाया है, तो हमने किसके साथ डील कर ली? उसके दामाद के साथ। तो हम एक घोटाले में शरीक हो रहे हैं राष्ट्रीय तौर पर। यहां तक कि रिएक्टर आएगा, लगेगा। अच्छा, एक और चीज है कि वो बोलता है कि आप अपने यहां जो भी कानून आपने बनाया है, जैसे आपने देखा कि यूनियन कार्बाइड हो गया था, अमेरिका की कंपनी ने कोई जिम्मेदारी ली? ये कांग्रेस का फेल्योर था, कांग्रेस के जमाने में हुआ था, केंद्र सरकार राज्य सरकार सब कांग्रेस की थी। यूनियन कार्बाइड की अनुमति किसने दी? आपको पता है, हरित क्रांति के समय में पेस्टिसाइड्स बनाने थे, जीएसपी लागू किया था, जीएसपी किसने दिया था? अमेरिका ने, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। क्यों दिया था? क्योंकि कहीं हम रशिया के साथ न चले जाएं। अगर हम रशिया के साथ चले गए तो हम कम्युनिज्म के प्रभाव में आ जाएंगे, तो हम अमेरिका के प्रभाव में रहें, इसलिए उन्होंने कहा हरित क्रांति करो। नॉर्मन बोरलॉग को मेक्सिको से बुला करके, हम बोलते ना कि अमेरिकी नागरिक, मैक्सिकन अमेरिकन नागरिक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के डॉक्टर स्वामीनाथन को मिला करके उन्होंने कहा कि करिए हरित क्रांति कीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन कीजिए। कीटनाशक बनाए जाएंगे, यूनियन कार्बाइड भोपाल में जाकर के कीटनाशक बनाएगी, डिजास्टर हो गया। क्या हुआ? अमेरिका की किसी कंपनी ने जिम्मेदारी ली,
तो हमने अकाउंटेबिलिटी का, लायबिलिटी का एक कानून बनाया कि अगर अमेरिका की या दुनिया की कोई भी कंपनी भारत में कोई भी उद्योग लगाएगी, रिएक्टर लगाएगी और भविष्य में रेडिएशन फैला या कोई समस्या खड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करेगी व्यवस्था को, और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगी पैसे से भी और वर्कफोर्स से भी और टेक्नोलॉजी से भी और अपने यहाँ की हेल्थ केयर से भी और हर तरीके से हमको मदद करेगी, क्योंकि ये उसकी वजह से हुआ है, उसके प्लांट में हुआ है। तो जब हम दामाद जी से खरीद रहे थे अभी जो डील की, तो डोनाल्ड ट्रंप बोल के गए कि वो जो कानून आपने अपनी संसद में बनाया है एक तो उसको ख़त्म करो, क्योंकि जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी हमारी, हम जो वो लगाएंगे रिएक्टर अगर वो फेल हो गया या कल से उससे कुछ गैस रिसाव हो गया या उससे अगर कोई रेडिएशन फैला और कोई मरा गया, तो ये जो तुमने अभी अभी पास किया एक तो उसको ख़त्म करो, जो हम ख़त्म करने जा रहे हैं अभी शायद 8-10 दिन में ख़त्म कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? तो हम इस तरह के समझौते भी करने जा रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का भी बीजेपी के समय में हुआ, तो उसमें हमने समझौता कर ही लिया है, हम सरेंडर हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप के कहने से उसके दामाद के लिए एक और सरेंडर होने जा रहे हैं, और वो एक लोकल स्कैम है, क्या पता इस न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा कि नहीं, क्या पता क्या झंझट है, वो वहाँ के लोग उसको स्कैम बता रहे हैं, घोटाला बता रहे हैं, क्योंकि वो व्हाइट हाउस में उनकी लड़की और दामाद और वही पूरा घर परिवार के लोग मिलकर के, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा परिवार ही जो है वो व्हाइट हाउस चला रहा है, भयंकर प्लूटोक्रेसी, एक्सट्रीम प्लूटोक्रेसी का एग्जांपल है अभी अमेरिका की राजनीति, और वहां के लोग ऊब चुके हैं उससे और वो परेशान है। ये तो अभी अभी इम्पीचमेंट फेल हुआ, लेकिन बर्नी सैंडर्स आया तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सरकार खुलकर सामने आ गई है कि हम तुमको हराएंगे, ऐसा कोई होता है? इतने इंडियंस वहाँ हैं कि हम हरा देंगे, और अगर हरा भी दिया तो ये तो कोई तरीका नहीं होता विश्व राजनीति में या किसी दूसरे देश की राजनीति में इस तरह की बात करने का और खुल करके। तो जो आप राइटर्स को देखोगे तो अमेरिका की यात्रा के कुछ एंगल मैंने आपको इस तरह से बताया, तो जो सौदे होते हैं उनके कुछ एंगल हैं कि वो हमारी राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं और हम राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ तक जा रहे हैं। ये सब चीज़ें न्यूज़ से गायब है ना, मैंने जितनी भी बातें की है वो आपके नेशनल मीडिया में, नेशनल जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनमें से किसी में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देगी, कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये सब आलोचनात्मक अध्ययन है, क्रिटिकली एनालिसिस है, और ये होगा नहीं, और ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस के जवाब हैं। इसलिए आपको ऐसा साहित्य पढ़ने के लिए कहा जाता है, और आपको ऐसा, अब इसमें आप एंटी नेशनल हो जाएंगे तो क्या होना पसंद करेंगे, नेशनल या एंटी नेशनल? नहीं, एंटी नेशनल तो नहीं होना है, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हमको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, हमारी भी मजबूरी है कि आपको ऐसा पढ़ाना पड़ेगा। हम भी जय बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय हम भी बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समस्याएं दूसरी हैं, नीतिगत समस्याएं, क्योंकि नीति आयोग है इसलिए नीतिगत समस्याएं। तो नीतियां जो है, वैश्विक नीतियां जो है वो हमको दिक्कत पैदा कर रही है, इसलिए हमारा स्वाभाविक मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, अमरीका हमारा मित्र हो सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं है क्योंकि एक जीएसपी बताया मैंने आपको, जीएसपी उन्होंने ख़त्म कर दिया जो हमको मिला था हरित क्रांति के समय, जिसमें हम आसानी से दाम फिर डेवलप्ड नेशन का दर्जा दिलवा रहे हैं वहाँ के ट्रेडर्स व्यापारी, हम डेवलपिंग कंट्री रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रहेंगे, हम इनपुट सब्सिडीज़ और तमाम प्रकार की जो किसानों को सब्सिडीज़ देते हैं हम लोग, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये 10% तक दे पाएंगे, लेकिन अगर डेवलप्ड नेशन हो गए तो केवल 5% दे पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी जो छूट है वो हम केवल ग्रीन बॉक्स तक दे पाएंगे, एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडीज नहीं दे पाएंगे, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दे पाएंगे जिसमें कि एग्रीकल्चरल रिसर्च ट्रेनिंग और इस टाइप की चीज़ें हैं वही दे पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो $60,000 पर कैपिटा इनकम का कंट्री है और हम लोग $2,000 पर कैपिटा इनकम है,
हमसे 30 गुना ज्यादा आय है उनकी, प्रति व्यक्ति आय। और वो हमसे कहते हैं कि अगर आप डेवलपिंग है तो फिर हम भी डेवलपिंग है। स्थिति ऐसे कैसे कह सकते हैं, वो तो डेवलप्ड है ना, लेकिन वो चूंकि पूंजीपति हैं तो वो एक करोड़पति आदमी जो किसी जुग्गी वाले को बोले अगर तुम गरीब तो फिर मैं भी गरीब, ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई, ऐसी बात कैसे कर दी। लेकिन ये सब चीजें होती है। फिर दूसरा, ईरान से हम सस्ता, हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और ईरान बराबर बोलता है सस्ता तेल गैस हमको मिलता है। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि आप संपर्क नहीं रखेंगे ईरान से, नहीं लेंगे आप, चाहे सस्ता दे रहा हो। हमको मना करना पड़ा, भाई हम नहीं ले सकते, अमेरिका ने मना कर दिया। हुआ भाई जो है हमारे यहाँ 5G लेके आ रहा था, हमको मना कर दिया अमेरिका ने कि अमेरिका से, चाइना से आपको हुआ भाई से संबंध नहीं रखना है। हम डिले हो गए, एक साल लेट हो गए 5G में, और अब तो कोरोना की वजह से और लेट हो जाएंगे। केवल रिलायंस का जियो को इजाज़त थी, वो ले आया अपना 5G केबल, फाइबर नेटवर्क और वो सारा, उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब मेड इन चाइना है, घर जा करके देख लेना लगा हो तो। जियो के फ़ोन भी जो है वहीं बन करके आ रहे हैं, कोई मेक इन इंडिया नहीं है, चाइना है। अभी वो कोरोना के कारण सब डब्बा गोल है। ट्रेड वार में उसने कहा हमको सपोर्ट करो, चाइना के साथ ट्रेड वार में हमको अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ा। एप्पल हमारे यहाँ टिम कुक जो है वो स्थापित करना चाहता था अपना प्लांट, ऑफर दिया था, उन्होंने कहा था कि आप दीजिए 2.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप बना के दीजिए फैक्ट्री, SEZ हम लोग बना के देते और अगर फैक्ट्री बना के देते तो हमारे यहाँ 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती और एप्पल हम बना रहे होते 3 साल पहले। लेकिन चाइना ने कहा बोले मैं बना के देता हूँ। तो चाइना में और हम में ये फर्क है कि हम रेडीमेड नहीं कर पाते किसी चीज़ को। नेपाल हमारे हाथ से इसीलिए चला गया, नेपाल में डिजास्टर हुआ, भूकंप आया, हमारी तरफ उसने देखा, हमने प्रतिबंध लगा दिए। मदेशी के टाइम हमारा पंगा हो गया था, ये सरकार बनी थी 14-15 में, और आते ही जो है मदेशी समस्या थी, उनके यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल वो प्रॉब्लम आई थी, क्राइसिस आया था, हमने सपोर्ट नहीं किया और वो चाइना की गोद में जाके बैठ गया। डिजास्टर हुआ नेपाल, काठमांडू में जो भूकंप आया उसमें जब हम सपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो हमारे इंजीनियर हम नहीं भेज पाए, ठेकेदार नहीं भेज पाए, हमारे यहाँ काम वैसे भी स्लो है। चाइना ने तत्काल सब चीज़ें बना बना के पकड़ा दी, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा ये टूट गया, ये खड़ा कर दिया, वो अस्पताल 3 दिन में बनाया ना उन्होंने, तो एकदम से खड़ा कर देते, वहाँ की टीम आती एकदम से खड़ा कर देते। उन्होंने कहा ये तो जादू है, ये अच्छी चीज़ है। हम दे रहे थे स्लो वाला, बैंडविड्थ वाला उनको इंटरनेट, चाइना ने बहुत फास्ट वाला पकड़ा दिया उनको। तो चाइना ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सड़कें बना दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, इंटरनेट डाल दिया फास्ट स्पीड का, नेपाली खुश, नेपाली चले गए चाइना की तरफ, बांग्लादेशी जाने वाले हैं। श्रीलंका बोल रहा है कि जल्दी से नेतृत्व करो, विश्व नेतृत्व बाद में करना, पहले रीजनल वाला करो, विश्व गुरु बाद में बनना, पहले रीजनल गुरु बनो, रीजनल क्षेत्रीय नेता तो बनो पहले। सार अटल बिहारी वाजपेयी ने डेवलप किया था बहुत अच्छे से, इंदिरा गांधी ने किया था, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक आया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छे से किया था, और आतंकवाद की भेंट चढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान मानता नहीं और हम फिर सार्क में जाते नहीं, तो सार्क चौपट करके बैठे। तो बिम्स्टेक के भरोसे चलाना चाहते हैं। तो श्रीलंका के रानिल विक्रम सिंघे जो निवृत्तमान है, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीलंका के, ये हमको उपदेश दे रहे हैं कि आपको ठीक से व्यापार करना चाहिए और रीजनल पावर बनना चाहिए, और बांग्लादेश और हमको और थाईलैंड को लेकर के कुछ काम करना चाहिए ठोस। आसियान और बिम्स्टेक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। श्रीलंका जैसा देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे लिए लेख लिखता है द हिंदू में, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये तमिल अखबार है एक तरह से, तमिलनाडु का चेन्नई इसका मुख्य स्थान है द हिंदू का, तो वो हमारे लिए लेख लिखते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। पहले विश्व गुरु का सपना नहीं देखना, रीजनल गुरु बनो। कितनी खतरनाक बात है। तो हम हर मोर्चे में लगभग लगभग जो है अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, उसकी बात मानते रहे, और वो हमारा मित्र रहा।
और हम लोगों के जो सौदे हैं वो एक तरफा रहे, ये है आलोचना किसकी, सरकार की विदेश नीति की। विदेश नीति कंप्लीटली फेल्योर है, कहीं कोई अचीवमेंट नहीं है विदेश नीति का, और खास करके रीजनल क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी नीतियों को अमेरिका के हिसाब से डाल के रखा और अमेरिका ने हमारा शोषण किया, हर तरह से शोषण किया। बल्कि अभी वो अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को छूट दिलवा के गए और हमने उनके हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया और हार्ले डेविडसन से लेकर के उनके जितने प्रोडक्ट हैं उन पर छूट होगी, हमारे प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन डिले नहीं किया, तो आलोचनात्मक पढ़ना पड़ेगा, आलोचनात्मक लिखना पड़ेगा और आलोचनात्मक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको रविश कुमार थोड़ी मदद करेगा। ज्यादा मत करना, कभी कभी वो हाइपर हो जाते हैं, नक्सली ना हो जाओ ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जेएनयू में भी शामिल होने की जरूरत नहीं है, आजादी के आंदोलन में भी जाने की जरूरत नहीं है, नारे लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन राइटिंग प्रोसेस जो है वो वैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सब प्रश्न आते हैं। मुझे लगता है बातें समझ में आई होंगी आपको, कुछ मैंने ऐसे कुछ मुद्दों को छूने की कोशिश की जो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसलिए आंखें मूंदे बैठे रहते हैं क्योंकि हमको वो सूट नहीं करते। तो हम जिस प्रिविलेज सेक्टर में होते हैं हम उस हिसाब से बात करने लगते हैं। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो अगर मान लिया जाए हम ऊंची जाति से हैं तो हमको लगता है आरक्षण बेकार चीज है, इसको हटाना चाहिए। नीचे जाति वाला बिल्कुल अंधभक्त होकर के बिल्कुल तैयार रहता है, नहीं आरक्षण रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए आरक्षण रहेगा, नहीं तो हम गर्दन काट देंगे, जो इसको हटाएगा उसको वोट नहीं देंगे, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है। दरअसल आप जिस भी विशेषाधिकार और जिस भी पाले में होते हैं आप उस तरह से सोचते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सोचना पड़ेगा। आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, आप किस वर्ग के हैं, आप किस धर्म के हैं, जो जो मनाही की गई ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन के लिए, उन सारे पैरामीटर्स पे जाकर के आपको निरपेक्ष रह करके सोचना पड़ेगा। इसलिए आपको सेक्युलर होकर के सोचना पड़ेगा। अब आप कहोगे सेक्युलर वर्ड ही खराब है, ये सेक्युलरिज्म शब्द ही खराब है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है भारत को, तो फिर तो बहस ही नहीं रही, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो बीजेपी के साथ और संसद में जब कभी बहस होती है तो वो सेक्युलरिज्म वर्ड को ही खत्म कर देते हैं या बोलते हैं यही गलत है क्योंकि इसको इंदिरा गांधी लेके आई थी। बात इंदिरा गांधी की नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का हर पेज जो है वो सेक्युलर है और हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हम सेक्युलर रहें, और सेक्युलर रहने से ही हम अधिकार दे पाएंगे और वल्नरेबल सेक्शन को कुछ सुरक्षाएं दे पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो सब थे वो हम लोग इसी कारण से और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको CAA, NRC और NPR को समझना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, अब चूंकि सरकार की जिद है और सरकार के पास बहुमत है इसलिए वो किसी भी तरह का रोल बैक करने को तैयार नहीं है, वो वापस लेना ही नहीं चाहते किसी चीज़ को। तो कल गाइडलाइन भी जारी हो गई है साफ साफ परसों कि NPR की तैयारी करो, सारे स्टेट्स को आदेश हो गया कि सेंसस की तैयारी करो और गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयुक्त हैं हमारे कमिश्नर जो भी हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि NPR होगा और जिस भी कंडीशन में होगा जैसा भी होगा, डेटा पॉल्यूट होगा तो देखा जाएगा, लेट होगा डेटा तो भी चलेगा, संघर्ष होगा तो भी चलेगा, कुछ लोग छटपटाएंगे तो भी चलेगा, जो भी झगड़ा होगा वो देखा जाएगा, जितने आंदोलन होंगे उन सबसे निपटा जाएगा। लेकिन सरकार का कतई मूड नहीं है, ना ही मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और जहाँ कहीं से कहीं कोई ऐसी इशारा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, जबकि कई देशों के राष्ट्रपति न्यूजीलैंड, जर्मनी, इटली और तमाम अमेरिका के जो विपक्ष के नेता हैं सब बोल चुके हैं कि आपका अंदरूनी मामला नहीं है, इस पर फिर से विचार करो। यहाँ तक कि UN ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें एक पार्टी बनाओ, हम पार्टी बनना चाहते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कई बार पार्टी बन चुका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कई बार पार्टी बन चुका है मानवाधिकारों के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है, कोई भी पार्टी बन सकता है पूरी दुनिया से, जिसको भी शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट को सुनने की स्थिति में है ना।
उनको भी एहसास हो जाएगा कि मामला कहाँ तक गहरा है, यानी उनको भी शायद ड्यूटीज याद दिलाई जाए यूएन को कि बोबड़े यही बोलेंगे ना कि आप अपनी ड्यूटी करो पहले, फिर बाद में अधिकारों की बात करना। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है इन मुद्दों को। शायद आप ये मुद्दे जब अखबार में अब आगे से कभी पढ़ेंगे, क्रॉनिकल में पढ़ेंगे, या आप किसी मैगजीन में पढ़ेंगे, किसी पेपर के एनालिसिस में पढ़ेंगे, है ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप कुछ रैशनल सोच पाएंगे, तब आपको टीवी न्यूज़ भी एकदम बायस्ड है, नहीं है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, कहाँ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे लगता है नेशनल एंटी नेशनल के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल समझना चाहिए हमको। हमको क्या होना चाहिए, क्योंकि नेशनल का तो उसका तो कोई पैरामीटर नहीं है, वो तो हमेशा डिक्टेटरशिप के हिसाब से होता है। डिक्टेटर हमेशा आपको एंटी नेशनल, आपको सूट नहीं करेगा, उसको सूट नहीं करेगी कोई बात तो आपको तुरंत एंटी नेशनल बता देगा, क्योंकि वो उसको सूट नहीं कर रही है। तो ये तो सीधा सीधा मामला जो है राष्ट्रवाद का, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि पेट्रियोटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। तो मुझे लगता है हम ज़्यादा क्लियर होंगे और काफ़ी कुछ बोझ भी आपके सिर से उतरा होगा, ठीक है, तो काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। लेकिन कोई झंडा उठा करके और आपको रोड पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको आंदोलन करने की ज़रूरत है, लेकिन मन को आंदोलित करने की ज़रूरत है और दिमाग को ट्रैक पे ला करके लिखने की कोशिश जरूर करिएगा, नहीं तो मेंस में आंसर नहीं बना पाएंगे और फिल्म्स के ऑप्शंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएंगे, तो फिर पकड़ में आ जाएगा, वो रंगा सीआर टाइप हो जाएगा, तो फिर बारिश हुई तो फिर सीआर निकल आया, तो गलत जब तो वो वाला जो है वो काम मत करिएगा। ठीक है, अंदर से कोशिश करें कि आप बनने की कोशिश करें, कोई बुराई नहीं है उसमें, सरकारें आती जाती रहती हैं, पॉलिसी बदलती रहती हैं, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव का रिजल्ट कुछ हुआ तो अगली विश्व राजनीति अगले 20 साल के लिए बदलेगी, उसका असर भी भारत पे पड़ेगा, फिर हमारे भारत के सुर कैसे रहते हैं फिर देखा जाएगा। ठीक है, अभी तो एक और खतरनाक काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है कि वो तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है और जा रहे हैं अपनी सेना लेकर के और तालिबान को सत्ता सौंप करके जा रहे हैं, और चुनी हुई सरकार वहाँ बैठी हुई है, और वो जो चुनी हुई सरकार के जो लोग हैं वो हमारे दोस्त कहे जाते हैं। अमेरिका में जब मैं गया तो वहाँ जो ड्राइवर मिलते थे हमको, अफगानिस्तान के या अफगानिस्तान का कोई भी व्यक्ति मिलता था तो हिंदी गाने सुनता और हिंदुस्तानियों से इतना मस्त तरीके से मिलता, बोले अपन लोग तो भाई हैं, पाकिस्तान कुत्ता है, पाकिस्तान खराब है, वो पाकिस्तान को गाली देता था, ये पाकिस्तानी साले खराब हैं। तो पाकिस्तानी खराब किस कारण से बोलता था वो, क्योंकि उसके यहाँ तालिबानी भेज रखे हैं, तो तालिबान जो है वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो एक आतंकवादी। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि 19 साल पहले हम अलकायदा के खात्मे के लिए गए थे, हमने अलकायदा को ख़त्म किया, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, आईएसआईएस ख़त्म है, और अफगानिस्तान में वो तालिबान के साथ ये समझौता कर रहे हैं, तालिबान को ये हिदायत दे रहे हैं कि तुम आईएसआईएस की मदद मत करना और अलकायदा से मत जुड़ना यहाँ पर, तो दोनों ही नहीं है, बहुत कम है। तो तालिबान ने आश्वासन दिया डोनाल्ड ट्रंप को, नहीं हम नहीं जुड़ेंगे, और ये सारा जो समझौता वो कर रहे हैं इसमें अफगान सरकार कहीं नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप होटल में बैठ करके किसके साथ समझौता कर रहे हैं, तालिबानियों के साथ समझौता कर रहे हैं। और तालिबानी कौन है, तालिबान शब्द कहाँ से आया था, तालीम से, मैंने बताया था विद्यार्थी तालिबान, जो पाकिस्तान के मदरसों में जो आतंकवादी तैयार होते हैं उनको तालिबान कहते हैं, वो तालिबान से समझौता कर रहे हैं तो पाकिस्तान को तो समर्थन मिल रहा है। और यहाँ अहमदाबाद में वो बोल के गए मोटेरा में, पाकिस्तान हमारा दोस्त, अच्छा दोस्त है, और आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ लड़ाई में है, तो कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही अमरीका वहां से जाएगा, अमरीका के सैनिक जाना शुरू हो रहे हैं, जैसे ही समझौते के तहत अमरीका के सैनिक जाएंगे, उसने विस्फोट करना शुरू कर दिया है, हत्या करना शुरू कर दी। अफगानी सैनिक जो हैं बहुत कम संख्या में हैं हालांकि, लेकिन अफगानी सैनिक जो वहां के आम आदमी उनको मारना शुरू कर दिया है। अब ये किस हद तक इसके रिजल्ट्स आएंगे और भारत के खिलाफ क्या होगा, और मुझे नहीं लगता कि 370 हटने के बाद कश्मीर में वो शांति रहने देंगे, तालिबान कश्मीर के जो अलगाववादी हैं उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो फ्यूचर जो है वो पूरा का पूरा भारत के विरुद्ध स्वभाव है डोनाल्ड ट्रंप का, ये एक और चीज़ मैंने आपको गिनाई।
लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भी हमारे और उनके दोस्ती के रिश्ते हैं, और ये क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या पॉलिसी है, और राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट क्या हो, अब आप मनी मन किसे जिताना चाहेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कल बात करेंगे फिर, शांति पाठ।